बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। घर की छिपकलियों को तो तुम करके भगा देते हो, पर सोचो कभी तुम्हारा सामना एक ऐसी लिजर्ड से हो जाए जो चप चप करके खा जाती हो। ठीक ऐसा ही कुछ होने वाला है हमारी आज की इस फिल्म में। या सो hey there, I am Shivai and today we gonna talk about a movie called Leo। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम दो लोगों को देख पाते हैं जो अपने रात के डिनर का इंतजाम करने के लिए कुछ छिपकलियों को पकड़ने के लिए आए हुए थे। उनमें से एक आदमी एक छिपकली को पकड़ने में कामयाब हो भी जाता है, पर तभी उनकी नजर पड़ती है एक डेंजर बोर्ड पर। यह देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि इस जगह को वो छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। पर तभी उनमें से एक आदमी को कुछ दूर जाकर एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दिया। ये देखकर वो काफी हैरान था कि इस रेगिस्तान में इतना बड़ा गड्ढा कौन कर सकता है, और वो उस गड्ढे को देख ही रहा था कि तभी उसके अंदर से उसका साथी निकलता है जिसकी हालत बहुत खराब थी। वो उसकी हेल्प करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर इतने में ही कोई चीज उसे गड्ढे के अंदर खींच लेती है। ये देखकर वो बेचारा आदमी बहुत परेशान हो जाता है और जोरों से दूसरी तरफ भागने लगा। वो अपनी गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर वो इतना हड़बड़ाया हुआ था कि उसकी गाड़ी स्टार्ट होती ही नहीं। और इतने में ही कोई जाइंट सा हाथ उसे पकड़ लेता है और उसे भी अपने साथ उस गड्ढे में ले गया। इसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम कॉल को देख पाते हैं जो अपनी बहन के साथ गाना गाने का काम करता है और इसी के थ्रू वो थोड़ा बहुत पैसे कमा लेते हैं। खैर, कॉन्सर्ट खत्म करने के बाद जब वो घर पर वापस आते हैं तो उन्हें उनके होम टाउन से कॉल आता है और पता चला कि उनके नाना की डेथ हो गई है, तो उन्हें होम टाउन आना पड़ेगा। वो ज्यादा देरी ना करते हुए तुरंत ही अपने होम टाउन पहुंच जाते हैं और यहाँ पर कॉल की मुलाकात होती है अपनी बचपन की फ्रेंड फोन से। वो एक सोशल स्टार है और उसके पास बहुत सारे पैसे भी है। अगले दिन कॉल जब अपना फोन यूज कर रहा था कि तभी उसे फोन दिखाई देती है जो एक तरह का कोई चैलेंज रखती है। उसने कहा कि मेरे होम टाउन में अगर कोई भी आकर के पानी ढूंढ देगा तो उसे मैं एक बड़ा इनाम दूंगी। कॉल को वैसे भी पैसों की बहुत जरूरत थी, तो वो अपनी बहन को ये वीडियो दिखाता है और अगले दिन ही वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। पर यहाँ पहुँच कर उन्होंने देखा कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। फोन उन्हें बताती है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, बस उन्हें पानी निकालना है, और अगर किसी को पानी मिल जाए तो वो अपनी फ्लेयर गन से हमें इंडिकेट कर सकता है। जो भी पानी ढूंढ निकालेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। यहीं पर दूसरी तरफ हम उन दोनों आदमियों को देख पाते हैं जिन्हें पिछले दिन लिजर्ड ने पकड़ लिया था और अब वो उन्हें अपना खाना बनाने जा रही है। और वहीं पर दूसरी तरफ उसकी बाइक बाहर ही पड़ी हुई है जिसे दो लोग देख लेते हैं। उस बाइक को ऐसे सुनसान पड़ा देखकर उन्हें लालच आ जाता है, तो वो उस बाइक को चुरा कर भागने लगे, पर तभी अचानक से उनके पीछे की जमीन धंसने लगती है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है, तो वो काफी घबरा जाते हैं और बाइक की स्पीड बढ़ाकर जोरों से वहां से निकलने लगे। पर उनकी किस्मत आज शायद उनका साथ देने के मूड में नहीं है। वो बचने की बहुत कोशिश तो करते हैं पर बच नहीं पाते और आगे जाकर लिजर्ड एक बड़ा सा होल कर देती है जिसमें वो और उनकी बाइक दोनों ही चले जाते हैं। उन लोगों को पानी ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, पर अभी तक किसी को भी पानी नहीं मिला था। कुछ लोग हताश होकर वहां से चले जाते हैं, पर अभी भी कुछ लोगों में हिम्मत थी तो वो रात में वहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। एक बंदा जो उन सभी से अलग एक जगह पर खड़ा हुआ था कि तभी लिजर्ड उड़ते हुए उसके पास आती है और उसके सर को ही उसके धड़ से निकाल कर दूसरी तरफ दो लोगों के ऊपर फेंक दिया। अपने सामने एक कटा हुआ सर देख कर वो इतना घबरा जाते हैं कि जोरों से भागने लगे, पर इससे भी क्या ही फायदा हुआ। वो जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पहली बार हमें वो लिजर्ड अपने विकराल रूप में दिखाई जाती है। वो चुटकियों में ही दोनों को अपना नाश्ता बना लेती है। अगले दिन काऊ अपने एक दोस्त और अपनी बहन के साथ एक गुफा के पास आता है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद इसके अंदर उसे पानी मिल सकता है, तो वो लोग गुफा में उतर जाते हैं और यहाँ पर फॉर्चुनेटली उन्हें एक गीली दीवार मिली जिससे उन्हें बिलीव हो जाता है कि अगर यहाँ पर हम खुदाई करें तो डेफिनेटली पानी मिल जाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली वो इस बात से अनजान थे कि वो खुदाई उस लिजर्ड के घर में करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये गुफा उसका घर है। तभी वो लिजर्ड जाग गई और वो कॉल के फ्रेंड को खा लेती है। कॉल इससे इतना घबरा गया कि वो अपनी बहन के साथ तुरंत ही वहां से बाहर निकलता है और सभी लोगों को लिजर्ड के बारे में बताने लगता है। पर लोग
समझ पाते हैं, इससे पहले ही लिजर्ड जमीन तोड़ते हुए वहां पर आ जाती है और उनके सामने ही एक बंदे को अपने साथ ले जाती है। ये देखकर वो सभी डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगे। इतने में ही लिजर्ड जमीन तोड़कर एक बार फिर से ऊपर आती है और उसे आता देख सभी फ्रीज हो जाते हैं और कोई भी आवाज नहीं करता। पर उनमें से एक आदमी ने गलती कर दी और उससे आवाज हो जाती है तो लिजर्ड उसे भी खा जाती है। इसके बाद अब वो लिजर्ड काऊ के पीछे है। वो काऊ को खाने के लिए उसकी तरफ भागती है पर उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दूसरी तरफ से काऊ की बहन हॉर्न को बजाने लगती है, इसलिए लिजर्ड काऊ को छोड़कर उसके पीछे आ जाती है। पर यहाँ पर कार में उसकी बहन बिल्कुल शांत हो जाती है और कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करती जिससे आवाज आए, तो वो लिजर्ड उसे ढूंढ ही नहीं पाती और वहीं पर अपने शिकार का इंतजार करने लगती है। दूसरी तरफ काऊ लिजर्ड के घर में गिर गया था और यहाँ पर वो चारों तरफ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी कुछ दूर जाने के बाद उन्हें बहुत सारे अंडे दिखाई दिए जो कि उसी लिजर्ड के थे और बहुत सारे इंसान भी बंधे हुए थे जिन्हें उस लिजर्ड ने अपने बच्चों का नाश्ता बनाने के लिए रखा हुआ था। दूसरी तरफ कॉल की बहन उस ट्रक से निकलने की कोशिश करती है और वो दोनों एक वैन में जाना चाहते थे ताकि यहाँ से भाग सके। हालांकि काऊ की बहन समझदारी और शांति के साथ वैन में पहुंच तो गई पर दूसरे वाले बंदे से छोटी सी गलती हो गई और इससे लिजर्ड की आँख खुल जाती है, जिसके बाद वो बंदा भी मारा गया। दूसरी तरफ काऊ और उसके साथी एक बार फिर से जब उस गीली दीवार के पास आते हैं तो काऊ को एक आइडिया आया। काऊ फोन को बताता है कि ये दीवार गीली है तो इसका मतलब है कि दूसरी तरफ पानी हो सकता है, तो अगर हम इस दीवार को ब्लास्ट कर दें तो उस लिजर्ड को हम डुबा के मार सकते हैं, बस हमें जरूरत पड़ेगी तो थोड़े से आरडीएक्स की। इसलिए वो वहाँ से बाहर निकल कर आरडीएक्स का इंतजाम करने लग जाते हैं। इधर लिजर्ड को भी खबर मिल गई है कि कुछ खिचड़ी पकने वाली है तो वो सीधा वहाँ पहुँच कर आसपास के लोगों को मारने लगती है और अपने साथ फोन को उठा ले गई। कॉल उसे बचाने के लिए अपने साथियों के साथ लिजर्ड के घर के पास पहुंचता है और यहाँ पर जोर जोर से म्यूजिक बजाने लगता है जिससे लिजर्ड इरिटेट हो रही थी, तो वो बाहर निकलती है और इतने में ही वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। लिजर्ड कुछ कर ही पाती कि इससे पहले ही वो लोग उसे आग भी लगा देते हैं। लिजर्ड को समझ में आ गया था कि ये उस पर भारी पड़ रहे हैं, इसलिए वो तुरंत ही वापस चली जाती है। काऊ के लिए अब ये चीज और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो गई है क्योंकि लिजर्ड बाहर थी तो वो उस पर अटैक कर भी सकते थे, लेकिन उसके घर में जाना मतलब मौत को दावत देना। पर तभी कुछ लोग गुफा के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर फंसे लोगों को छुड़ाने लगते हैं। दूसरी तरफ कॉल को आईडीएक्स मिल जाता है तो वो उसे असेंबल करने लगता है और उसे असेंबल करके जब वो गुफा में उतरा तो वो देखता है कि लिजर्ड फॉल को मारने जा रही है, तो वो एक बड़ा सा हथियार लेकर सीधा लिजर्ड पर कूदता है पर इससे लिजर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद कॉल अपनी फ्लेयर गन से उस पर अटैक करता है जिस वजह से लिजर्ड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई और यही उनके लिए एक अच्छा मौका था, तो वो तुरंत ही बॉम्ब को सेटअप करके दीवार से दूर भागने लगते हैं और भागते भागते ही वो अपने बॉम्ब को ट्रिगर कर देते हैं जिस वजह से वो दीवार ब्लास्ट हो गई और पूरी गुफा में पानी भरने लगता है जिसमें वो लिजर्ड भी डूब रही थी और डूबकर उसकी मौत हो जाती है। अब फाइनली वो सभी बच चुके थे और उस लिजर्ड की वजह से जमीन में जो छेद हुए थे उनसे पानी बाहर आने लगता है। ये देखकर वो और भी खुश होते हैं, पर दूसरी तरफ हम एक पर्सन को देख पाते हैं जो उस गड्ढे से अभी भी बाहर निकला है और उसके हाथ में उसी लिजर्ड का एक अंडा होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। तो आज आप मुझे बताओ कि आपको लिजर्ड से डर लगता है या कॉकरोच से, और दोनों से डरने वाले कौन है वो तो सबसे पहले कमेंट में प्रेजेंट हो जाएं। खैर, मूवी अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा और अपना आंसर नीचे जरूर लिखिएगा। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए और अपने भाई के चैनल को ग्रो करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर या मेरे ब्लॉग वाले चैनल पर भी आ सकते हैं, दोनों का ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।